हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सनकैन लैंड की एक और निमजदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने काफी कुछ किया था। यहाँ पर अपने लिए एक स्मॉल जनरेटर भी बना दिया है, बाकी तीन आइलैंड को कैप्चर किया था और काफी मजे आए थे पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में भी कुछ नई चीजें बनाएंगे, कुछ नया एडवेंचर करेंगे। चलो फटाफट से चलते आज की वीडियो की तरफ। जितने भी सारे लोग चैनल पर नए आएंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। गेम में आते ही मुझे भूख लग गया, बड़ा ही भुक्कड़ इंसान है ये भाई। चलो इसको पहले कुछ खिला देते हैं, यहाँ पर कुछ पकने के लिए रख देते हैं और जो पक रहा है वो खा लेते हैं। चलो ये खाओ मस्त। और जो आलतू फालतू सामान लेके घूम रहा हूँ ना, पहले तो सबको सही जगह पे रखता हूँ। और पहले तो थोड़े से एमओ बना लेता हूँ, क्योंकि राइफल एमओ जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुका है। 25 सिर्फ बचा हुआ है मेरे पास। कॉपर इंगट सिर्फ एक है। अरे यार, कॉपर भी लाना पड़ेगा मुझे। बाकी मुझे ना स्मेल्टर और भी बनाने हैं। दो स्मेल्टर से हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो दो तीन स्मेल्टर और भी बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एमओ बना लेता हूँ। स्मोकलेस पाउडर कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, दो है क्या? ठीक है, एक बन जाएगा। एक और कॉपर इंगट चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बना लेंगे स्मोकलेस पाउडर थोड़े से और बना के। पिस्टल एमओ भी बना लेता हूँ। अब राइफल एमओ हो गए 60 और 10 ये हो गए 22 पिस्टल एमओ। एक काम करता हूँ गाइस, फर्नेस जो है ना बना ही लेता हूँ। फर्नेस किधर होता है? इधर होता है ना, ये रहा। क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए? वुड चाहिए, स्क्रैप चाहिए, रबर चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है। रबर वगैरह तो यहाँ पर है बहुत सारे। वुड चाहिए तो वुड हमारे पास यहाँ पर है, डनसिल। उसके बाद स्क्रैप चाहिए, ये लो स्क्रैप। दो इधर को बनाते हैं, दो पड़े हुए हैं, तो इसको लगाता हूँ यहाँ पर, एक लगाता हूँ यहाँ पर इसके बाजू में, इस वाले जगह पर। ठीक है, बाकी बाहर वाले दो उठा के लेके आता हूँ अंदर को। उसके लिए अपने को ये पैकिंग बॉक्स लेके जाना पड़ेगा, तो ये पैकिंग बॉक्स लेके चलते हैं, इसको उठा के लेके आते हैं। हाँ जी भैया जी, आ जाओ पैकअप है, नहीं कर सकता। अच्छा हो गया, यहाँ से उठा लेता हूँ डनसिन और इन दोनों को लगाते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर ना, तो थोड़ा लाइट के लिए ना ये हैंगिंग वाला लैंटर्न बनाता हूँ। इसको एक लगाता हूँ यहाँ पर। ओ नाइस भाई, इसकी लाइट तो कुछ ज़्यादा है, इस वाले से तो अच्छी लाइट कर रही है। तो इसको लगा देता हूँ तीन चार, एक इधर को लगा देता हूँ, एक इधर को लगा देता हूँ यहाँ पर। अरे ख़त्म हो गया क्या? स्क्रैप ख़त्म हो गया, अभी लेके आया। तो एक आ जाएगा यहाँ पर, एक लग जाएगा इधर को। ओके, एक बीच में लगा देते हैं यहाँ पर। ओ नाइस भाई, पहले बहुत अंधेरा रहता था, अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया। एक काम करता हूँ, एक इधर को भी लगा देता हूँ, क्योंकि इधर को अंधेरा रह रहा है, तो यहाँ पर लगा देता हूँ। ये हुई ना बात, अब सही लग रहा है। ये रात हो चुका है, तो चुपचाप से सो के सुबह कर लेते हैं। सुबह होते ही बहुत भयंकर की प्यास लगी है। पानी है क्या? पानी है, थोड़ा हैंडपम्प चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें का पानी पूरा हो चुका है ख़त्म, तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। बाकी गाइस, आज मुझे ना इसको लेवल 4 का भी करना है। लेवल 4 का करेंगे तो और भी नई नई चीज़ें अनलॉक होंगी। इसके लिए अपने को 8 इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए और एडवांस पार्ट चाहिए, टोटल 8। चार एडवांस पार्ट मेरे पास पड़े हुए हैं ना, पिछली बार कितना लेके आया था, इधर ही कहीं पर मैंने रखा था ना एडवांस पार्ट, कहाँ गया? 3 पड़े हुए हैं, तो उस बक्से में ना और भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो वहां से लेके आता हूँ और इसको लेवल 4 का कर देता हूँ। लेवल 4 का हो जाएगा ना तो काफ़ी सही हो जाएगा। और मैं ये सारी चीज़ें भी लेके चलता हूँ, थोड़ी ट्रेडिंग करनी है मुझे। और आज काफ़ी सुबह सुबह निकल गए, पता चले जा रहे हैं तब तक रेड ना हो जाए। भाई अब तो जहाँ जहाँ तक नजर जाती है वो सारा आइलैंड अपना ही है। ये सामने वाला आइलैंड भी अपना है, ये वाला भी अपना है, ये वाला भी अपना है, एक इधर को बच रखा है ये वाला। इस पर भी कब्जा जमाना पड़ेगा लगता है। एक सामने को भी उधर दिख रहा है, कोई बात नहीं है, सब पे कब्जा करेंगे धीरे धीरे, एक एक करके हर एक आइलैंड पे सिर्फ और सिर्फ अपना ही कब्जा होगा। बस बस रोक लो रोक लो। इससे मुझे लेना है स्कूटर, और इससे क्या लेना था मुझे, मैं क्या लेने आया था, स्कोप लेने आया था ना भाई। रेड डॉट है सिर्फ इसके पास, 2x नहीं है क्या? चलो ठीक है, रेड डॉट ही ले लेता हूँ। क्या क्या देना पड़ेगा ये? नहीं भाई, गेट लॉस्ट क्यों बोलती है भाई, मैं दे रहा हूँ ना सामान, ऐसे क्यों भड़क जाते हो। ये ले लो, ये 5 सिल्वर कॉइन्स ले लो भाई। अब बताओ 5 सिल्वर कॉइन्स, इतना महंगा सिगार, इतनी महंगी वॉच, फिर भी ये सब सामान भी ले लो, मेरे किसी काम का नहीं है। अरे यार अब भी ट्रेड नहीं हो रहा है गाइस। ये रेड डॉट देखता हूँ कितने में मिल जाता है, ये सब सामान देख के मिल जाएगा क्या? ओके, ये पूरा दे दिया फिर भी नहीं मिल रहा, ये भी दे देता हूँ नहीं मिल रहा, ये भी दे देता हूँ। ओके, इतना सामान देने पे
ये रेड डॉट जो है ना वो डील हो रहा है, डन सीन है, रेड डॉट ले लेता हूँ। स्कूटर का भी बाद में ले लेंगे, मुझे रेड डॉट की जरूरत थी, रेड डॉट मिल गया। इसको लगाएंगे कैसे, ऐसे हैं? अरे नहीं यार, अच्छा इधर को रखना पड़ेगा क्या? हैं, रेड डॉट को यहीं पर रख सकता हूँ। किसी और गन पे लगी है क्या? नहीं इस पे नहीं लगी है। ओ अब आया, पहले नहीं दिखा रहा था अभी दिखाने लग गया। वाह भाई इसके भी अलग ही नशे हैं, पहले तो ये दिखाई नहीं रहा था अब दिखाने लग गया। तो यहीं पर रेड डॉट रखना पड़ता है। ओके ओके डन सीन, मुझे जाना है इस ब्रिज पे ना, चलो फटाफट से वहीं पर मिलता हूँ। ओके आ गए यहाँ पर, चलते हैं ऊपर, देखता हूँ मुझे एडवांस पार्ट यहाँ पर मिलता है या नहीं। इधर ही कहीं पर था ना एडवांस पार्ट मिला था, इस वाले जगह पर नहीं, नहीं 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 इधर को नहीं था, आई थिंक ऊपर वाले में था। नहीं यहाँ पर भी नहीं, इधर भी नहीं, कहाँ पर मिला था एडवांस पार्ट? ऊपर मिला था क्या? नहीं यहाँ भी नहीं, इसमें मिला था क्या? डायमंड रिंग मिल गया। ये ले लूँ? नहीं रहने देता हूँ, इसको ले लेता हूँ ना, ट्रेड कर लूँगा इन दोनों को लेके ना, ट्रेड कर दूंगा। अरे यार सारी चीज़ें निकाल लिया गलती से, टूट गया यार सारी चीज़ें नहीं निकाल ली भाई। ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया। ओके क्या मिलता है? आ ये तीन और मिल गए, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी मिल रहे हैं, तो ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और ग्लास भी लेना है। डन डन डन। और एक ये ना और भी था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दूसरा दिख रहा है शायद से, याद आ रहा है कि एक नीचे साइड को भी मैंने देखा था, पता नहीं, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट जहां तक तो मुझे लगता है कि एक और होगा। नहीं, वही था वही था वही था, दूसरा नहीं था गाइस, वही था। थोड़ा बहुत सामान यहाँ से फट से लूट लेते हैं। चलो गाइस लूट कर लिया मैंने अच्छे से यहाँ पर, और जो चीज़ की जरूरत थी वो हमें मिल गया, हमें चाहिए थे एडवांस पार्ट, और अभी मेरे पास टोटल 14 एडवांस पार्ट हो गए। अब यहाँ से निकलते, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी ले लूँ क्या? चलो अभी नहीं, अभी चलते सीधा घर को, कुछ और नई नई चीजें करते हैं। यहाँ से थोड़े से ले लेता हूँ, क्या भर गया? स्क्रैप मेटल, पूरा इन्वेंट्री फुल हो चुका है। कूदो, इसमें मैं पूरी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ, नहीं पूरी इन्वेंट्री नहीं, थोड़ी सी चीज़ें खाली कर देता हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर रख देता हूँ। अभी मेरी इतनी इन्वेंट्री खाली है, अब यहाँ से निकलते हैं। ये वाला किसका बेस है गाइस? इस बेस पे हमने रेड किया था ना भाई, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने इस बेस पे रेड किया था। वेट है, हमारा घर किधर को है? ये रहा, ये बेस है यहाँ पर भाई। मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने इस बेस पे रेड किया था, और यहाँ से काफ़ी सारा सामान लेके गया था, या तो वो कोई और बेस था। वेट वेट वेट, ये वाला कोई अलग सा है, मैंने जिस पे किया था वो कोई अलग था। ओके ये वाला बेस भी सेम उनके जैसा ही नहीं लग रहा है। ओ ये कोई नया बेस है। हेलो भाई लोग, क्या हाल है? इसको पहले हेडशॉट देता हूँ। आह ये, अरे ये तो रेड डॉट नल्ली है। मराडर्स यहाँ भी रहते हैं, सी वाइपर आउटपोस्ट। हाँ ये नया आउटपोस्ट है गाइस, मेरे को लग रहा था कि हमने यहाँ पर रेड किया है कभी। क्या मार रहा है नल्ले, क्यों मार रहा है? चल निकल। एक ये रहा, एक ऊपर से मार रहा है, इसको मारता हूँ पहले भाई। ये रेड डॉट बेकार है यार, बिना रेड डॉट के आयरन साइड से मैं अच्छा मार लेता हूँ। इसको पड़ी कट्टा चला रहे है तो भाई। ओके एक भी नहीं पड़ रही इनकी, नूब से भाई, एक शॉट नहीं पड़ रहा है। अरे पड़ गई पड़ गई पड़ गई, क्यों बज रहा था मैं नूब से बोल रहा था भाई, पड़ गई यार। इतनी दूर से मैं फाइट ले क्यों रहा हूं आखिर? पास चलता हूं ना फाइट लेने। ये यहां से जाके फाइट लेता हूं। ये छुप जा रहे हैं ना स्क्रैप वगैरह के पीछे, पता ही नहीं चल रहा। ये रहा एक, ओ नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी, आ जा दिख जा। अरे यार नहीं पड़ रही है, ये नल्ला बहुत मार रहा है, इसको पहले निपटाता हूँ। ये रहा, ओ नहीं पड़ी, ओ पड़ी पड़ी पड़ी, अब पड़ी अब पड़ी। आ ये गया, नहीं गया बेटे, नहीं मार पाएगा नूब। और ऊपर से भी मार रहा है, खोपड़ी खोल दूंगा। अरे ये तो बहुत खतरनाक है।
ऊपर जाके भिड़ता हूँ ना, क्या दिक्कत है। हाँ भाई घर में घुस के मारूंगा, कोई पंगे नहीं है। किधर हो और किधर हो भाई, आ जाओ। एक ये है, ओ यहां से मार रहा हूं ये, देखो गैप से। ऊपर तो नहीं जा रहा, इसमें कुछ है क्या? राइफल एमो, गन पार्ट, गन पार्ट को नहीं यार, गन पार्ट मेरे को चाहिए, ये रख के ना गन पार्ट ले लेता हूँ। भाई मेरे को कुछ खाने को चाहिए यार, कुछ खाने को है क्या इनके पास? प्लीज कोई मत आना, खाने को दे दो कुछ, बस प्लीज थोड़ा सा खाना चाहिए। अरे यार खाना नहीं है, मैं मर गया, मैं मरा। बैंडेज, कुछ खाने को दे दो बस। आ ये कुछ मिला, इसके पास कुछ नहीं यार, इसके पास कुछ तो नहीं है इसके पास। अरे सिर्फ पानी मिल रहा है, अरे पानी कितना पीऊँ, खाने को चाहिए। एक और बचा है ना, ओ अरे कुछ तो दे दो खाने को, कैसे इंसान हो भाई, खाते नहीं थे क्या? ओ फाइनली खाना मिला, ओके चलो 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 फाइनली खाना मिला भाई, नहीं तो मैं अभी मर जाता। और कोई बचा है? अभी बचा हुआ है लेकिन एमो नहीं है मेरे पास, ऊपर है शायद से, ये रहा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे एमो खत्म हो गया। ओह नो, अभी दो बच्चे हुए हैं भाई, मैं सीधा उनके मुंह पे घुस गया हूँ। ऐसे नहीं जाना होता है भाई, थोड़ा देख के जाना पड़ता है। कोई नीचे, नीचे कौन है बे? नीचे तो सब क्लियर करके गया हूँ, नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। ऊपर चलो, ऊपर ही जो बचे हैं वो बचे हैं। चलो 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 ऊपर निपटा के आता हूँ। इधर कुछ पड़ा हुआ है क्या? स्क्रैप वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और मिल गए, नाइस। किधर है? ये रहा, ये पड़ी, ये पड़ी, ये ले। अरे एमो खत्म हो जा रहा है ना, राइफल से मारूं क्या इसको? आ जा ले, ये ले, ये ले, बस निकल गई हवा। कहाँ से मार रहा है ये, दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से मारे जा रहा है नल्ला। किधर है ये? हेलो कहाँ से मार रहा है ये? तेरी वैंस की, ये है। कल बेटे कल, रीलोड करते रह जाओ इसकी वैंस की। बक निकल, ओ मर गया। भाई इनको मारने में मजे आ जाते हैं, चलो सबको लूटते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। वैसे यहाँ पर वुड वगैरह ज्यादा हैं। एक और बेस कैप्चर कर लिया, सबसे पहले तो यहाँ पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, झंडा। ये हमारा बेस है, एकदम ऊपर लगाऊंगा यहाँ पर। आ ये जे बात, रात होने वाला है तो पट से थोड़ा बहुत लूटपाट करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ क्या क्या चीजें मिल जाती है। कुछ ब्लू प्रिंट मिल रहे हैं, इनको लर्न कर लेता हूँ, बनाना सीख जाऊंगा। और इसमें सिगार मिला, लैंप मिल रहा है तो लैंप ले लेता हूँ, कुछ तो रख देता हूँ इसमें, नहीं ये रखो, लैंप रख देता हूँ, बाद में आके ले जाऊँगा क्योंकि बाद में उसमें फिर से सामान आ जाएगा। इजी पीजी, यहाँ से ये सब निकाल लेता हूँ, मतलब कि स्क्रैप ले लेता हूँ। अब निकलते हैं घर को गाइस, जो भी लूटपाट रहेगी कभी और आके ले लेंगे। मेरा बोट उतना दूर क्यों खड़ा है, इतना दूर बोट खड़ा करके कौन आता है भाई? वैसे इन बेचारों को तो हमने मजाक मजाक में निपटा दिया, रेड करने का मूड नहीं था फिर भी रेड करके निपटा दिया जबरदस्ती का। एमओ वगैरह है कि नहीं राइफल का? कल को पता चले कि रेड हो गया ना तो फिर बैंड बच जाए हमारा। ओके गाइस, तो आ चुके हैं वापस घर पर, फटाफट से सारा सामान मैं ढंग से रखता हूँ जहाँ जहाँ पर रखना है। एक काम करता हूँ, सो के उठ जाता हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें करेंगे। और जल्दी सो रहे हो तो बहुत जल्दी उठ भी जा रहे हैं। पहले तो आर्मर रिपेयर कर लेता हूँ, और कुछ खाना चाहिए मेरे को। कुछ खाने को है? कुछ खाने को नहीं है। ये पी लेता हूँ, यहाँ पर कुछ पकाने के लिए है ना, ये पड़ा हुआ, इसको रखते हैं यहाँ पर, पकता रहेगा। बाकी इसको रखो यहाँ पर। और गाइस एडवांस पार्ट अपने पास आ चुके हैं ना, तो फटाफट से हम इसको लेवल 4 में भी अपग्रेड कर देते हैं। देरी किस बात की, अपने को चाहिए 8 एडवांस पार्ट, 8 चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और 8 आयरन इंगट चाहिए। आयरन इंगट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 आयरन इंगट है। यहाँ से आयरन ओर लेता हूँ, ठीक है,
और यहाँ से लेता हूँ वुड, ये मुझे पहले करना चाहिए था, ये अब कर रहा हूँ मैं। ये सब में डालता हूँ आयरन ओर, ठीक है, इसमें ऐड करता हूँ वुड फटाफट से, और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। टोटल चार है ना, तो अब जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। और मैंने कमेंट पढ़ा था ये रिसाइकलर अपने को देता है आयरन इंगट। अब देखो छह कंपोनेंट डाल रहा हूँ भाई, इस बार तो हो जाना चाहिए था यार। तुम लोग बोल रहे थे कि ये चीज काम करता है, अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि क्या होता है। एक बार को बाहर देख के आते हैं, कहीं से एनिमी वगैरह आ रहे हैं भाई। ओ भाई ये देखो, अच्छा हुआ मैं बाहर चला आया। ओ भाई साहब, ये लोग मस्त तैयारी करके आ रहे हैं और मेन टाइम पे मैं आया भाई। चुप मल्ले, क्यों मार रहे है? अरे ये तो तोड़ने लग गए भाई सीधा। मुझे थोड़ा ना इधर को ये क्या बोलते हैं वॉच टावर टाइप कुछ बनाना चाहिए। अरे ओ ग्लिच, नाइस ग्लिच, नाइस ग्लिच, ये देखो अच्छा ग्लिच है भाई, घर में घुस गए। सही है भाई, गेम वालों ये ग्लिच तो दूर करो, मेरे घर में घुस के मार रहे हैं मेरे को। वाह भैया जी वाह, सही है भाई, नाइस गेम। साढ़े नल्ले किधर से मार रहा है, एक घर में घुसा है। निकल 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 उतरे, निकल निकल निकल, किधर गया, मर गया। ओ भाई ये क्या हो रहा है, अरे ऐसे ग्लिच मत करो रे बाबा। ये देखो ये भी स्पॉन हो गया घर में। ओ और कोई है इधर नहीं, और ऊपर है क्या, इधर कोई नहीं घुसा है ना, नहीं इधर कोई नहीं घुसा है। किधर को है, एक ये है पड़ी, एक ये गया, इसको भी पड़ी। ये अरे नहीं पड़ी, अरे ये क्या भाग रहा है भाई। हेलो चलो इसको भी पड़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेट, हाँ कट्टा ओपी है हमारा, अभी निपटाता हूँ। चलो एक गया, एक ये है, चटको ये सबको निपटा दिया। लेकिन गेम वालों ये क्या तकलीफ है भाई, घर में घुस जा रहे सीधे, ये भी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं थोड़ा, और इनको भी लूट लेते हैं, थोड़ा सामान तो मिल ही जाएगा। देखो यहाँ का तो समझ आता है कि विंडो है तो उसमें से आ सकते हैं, पीछे साइड से कैसे है भाई, यहाँ से वो लोग आए ये बताओ, यहाँ से वो लोग स्पॉन हुए, ये क्या बात होती है भाई। यहाँ वाला तो समझ भी आता है, पीछे वाला तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे आ सकते हैं। पानी वगैरह मिल रहा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चाहिए था इसके लिए, आठ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए और आयरन इंगट चाहिए। आयरन इंगट चार मेरे पास पड़े हुए हैं, पांच यहाँ पर पड़े हुए हैं, डन सीन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ये रहे, आठ चाहिए टोटल। तो थोड़े इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इधर भी होंगे, ये रहा टोटल आठ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गए। तो फाइनली गाइस हम अपने रिसर्च टेबल को इतनी जल्दी लेवल 4 में अपग्रेड करने वाले हैं। ये लो हो चुका है अपग्रेड, क्या क्या नई नई चीजें आई। ये 100 मिल आया है प्रोसेस रेगुलर वुडन प्लैंक इनटू रिफाइंड वुडन प्लैंक। ओ बेड बनाने के लिए जो प्लैंक चाहिए था अपने को ना, इससे बनेगा वो प्लैंक। ओके बायोफ्यूल लैब यूज टू क्राफ्टिंग फ्यूल, अच्छा यहाँ से हम फ्यूल भी बना सकते हैं। ओ तभी मैं पहले सोचता था ना कि फ्यूल जो है खत्म हो जाएगा, तो मैं लाऊंगा कहाँ से, यहाँ से फ्यूल बना सकते हैं भाई। आज जो चीजें यहाँ पर खुली है ना, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें ओपन हुई है। ये क्या है, हैवी मशीन गन, ओ भाई स्टील इंगट चाहिए। स्टील इंगट कैसे बनेगा इससे, ठीक है समझ गया। बहुत नई नई चीज़ें अनलॉक हुई है, पहले तो यहाँ वाली सारी चीज़ें रिसर्च करेंगे जितनी भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ ना बाकी नहीं रहना चाहिए रिसर्च से। तो सबको लगाते हैं यहाँ पर और इनको रिसर्च करके कंप्लीट कर देते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें बनाते भी चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए, ये लो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गए। स्क्रैप चाहिए, स्क्रैप भी है मेरे पास। उसके बाद चाहिए कॉपर इंगट भी हो गया। और इसके बाद चाहिए ग्लास ये रहा। और गन पार्ट चाहिए, गन पार्ट ये रहा। बस और कुछ नहीं चाहिए ना, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। फटाफट से सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। टेबल लैम्प इस पर किया रिसर्च, डन।
स्क्रैप पिस्टल वैसे बनाना तो नहीं है मुझे, तो मैं इस पे रिसर्च भी नहीं करता, फालतू का सामान खर्चा होगा। कर दूं क्या? आयरन आर्मर भी नहीं बनाना है मुझे, नहीं इस पे भी रिसर्च नहीं करता। बैटरी बनाना पड़ सकता है तो बैटरी पे रिसर्च कर देते हैं। और हेडलाइट, इससे ना हम दूर तक एनिमी को देख सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम में ना एनिमी को मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दिखता ही नहीं है वो, तो इस पे करते हैं रिसर्च। चलो डन सीन, सारी चीजों पे रिसर्च कर लिया, इन पे रिसर्च नहीं करना तो इनको डिलीट कर देता हूँ। और वो हेडलैम्प कैसे बनाएंगे? यहीं पर आया होगा ना, कहाँ पर आता है? ये रहा। ओ ये क्राफ्ट में कर सकता हूँ, मेरे पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं क्या? आहा ये हेडलैम्प लगा लिया मैंने। अरे लेकिन दिन में पता कैसे चलेगा कि हेडलैम्प काम कर रहा है? ठीक है भाई, रात होगा तो देखेंगे कि काम कर रहा है या नहीं। यहाँ से आयरन इंगट जितना हो सकता है उतना स्मेल्ट करके रखते रहते हैं, क्योंकि काम पड़ रहा है इसका, इसको उतार के रखना पड़ेगा, सिर्फ रात के टाइम में यूज करना पड़ेगा। और थोड़ा लेवल 4 वाले में भी रिसर्च करना है मुझे। अभी सारी चीजों को तो नहीं बनाएंगे, एक एक करके सारी चीजों को बनाएंगे। सबसे पहले तो 100 मिल बनाना है मुझे, 100 मिल बनाने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा अपने को। चलो इस पे कर लिया रिसर्च। और अब ये बनेगा कहाँ से? इधर से ही बनेगा, इसमें ही आया होगा। ये रहा 100 मिल, इसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमारे पास पड़ी हुई है। क्या बात है भाई, सामान रहने का कितना फायदा होता है ना, रोना नहीं पड़ता कि हमारे पास सामान नहीं है, नहीं तो टाइम लग जाता है बनाने में। तो 100 मिल को भी बना ही देते हैं, इसको भी मैं इधर ही कहीं पर रखूंगा, इस वाले जगह पर। हाँ ये यहाँ पर रहेगा। ओ नाइस, अच्छा वायर ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। ओ ये भी जनरेटर से चलता है क्या? रबर है हमारे पास पड़ा हुआ, यहाँ से रबर लेते हैं। वायर ऐड करना है तो यहाँ से इंस्टॉल वायर, इसको लेके चलते हैं पहले ऊपर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, फिर लेके जाएंगे हम यहाँ तक, डन सीन। उसके बाद इधर से आएंगे और इसको लाएंगे यहाँ तक, फिर इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। भाई ये तार तो दिख रहा है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ पर लाना चाहिए था, फिर ऊपर लेके जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, मैं वायरिंग वाला थोड़ी ना हूँ जो इतना अच्छे से वायरिंग करूँ। इसमें अब अपने को क्या करना है, 5 वुड ऐड करूँगा तो मुझे मे बी वो प्लैंक मिलेगा। कौन सा प्लैंक, क्या बोलते हैं उसको, बेड बनाने के लिए चाहिए था ना मुझे, ये रहा 5 वुड प्लैंक। हाँ बेड बनाने के लिए कितना चाहिए था, 8 चाहिए, मतलब कि 40 वुड वहां पर डालूंगा तो टोटल 8 बनेंगे। अगर मेरा मैथ सही हो तो इतना ही होना चाहिए, 40 वुड यहाँ से लेके ना आज बेड बना लेता हूँ भाई। ये जमीन पे सोते सोते मैं थक गया हूँ, इसमें वुड ऐड करता हूँ। ओके बनने लग गया, कैसे काम करता है ये हैं? ओके सही है, तब तक मैं यहाँ से कलेक्ट करते रहता हूँ सामान, इधर का भी काम चलता रहे, इधर भी काम चलता रहे, आज तो फुल काम चल रहा है। लेकिन बहुत टाइम लग रहा है इसको बनाने में, इतने टाइम में 1 वुड बनेगा, ये तो कुछ ज़्यादा ग्राइंड वाली चीज़ नहीं होगी। 1 मिला, ओ भाई इतने टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1 फाइन वुड मिला, मतलब कि इसमें टाइम लगने वाला है। कोई बात नहीं, आज तो वैसे भी यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा स्मेल्टिंग भी कर लेता हूँ। ओ कॉपर ओर भी खत्म, आयरन ओर भी थोड़े ही बचे हुए हैं, ठीक है ठीक है, इनके लिए भी ग्राइंड करना पड़ेगा। थोड़ा वुड भी ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं इधर को स्मेल्ट करते रहता हूँ, और उसके बाद इधर को मैं वुड डालते रहता हूँ और उससे 5 वुड बनाते रहता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट से मिलते हैं थोड़ी देर में। One eternity later. Okay guys, तो अभी मैंने टोटल देखो 9 फाइन वुड प्लैंक बना लिया है। कॉपर इंगट मेरे पास 10, 11 ये हो गए, और 10, 10, 20 आयरन इंगट हो गए। भाई आयरन इंगट तो अच्छा खासा हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है आयरन इंगट को स्मेल्ट करने में। बस अपने पास अब और खत्म हो गए, और बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। एक बार को देखते हैं बेड बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी। बेड बनाने के लिए अपने को 5 वुड प्लैंक चाहिए, ये हो गया। क्लॉथ मिल जाएगा, कॉटन है, अब कॉटन कहाँ से लाऊं? मेरे को जहाँ तक याद है ना, थोड़ा कॉटन तो मैं लेके आया था। ओ नाइस, कॉटन भी पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो अपना बेड बनाते हैं, और आज हम सोएंगे यहाँ पर अपने नए बेड पे। ये लगाते हैं यहाँ पर, ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं? आई थिंक ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको लगाते हैं बिल्कुल यहाँ पर। ओ नाइस, ये देखो गाइस, सही लग रहा है कि नहीं? भाई बढ़िया लग रहा है। ये हटा देता हूँ ये वाला पिलर, क्योंकि घर के बीच में ये नहीं रहना चाहिए। डन सीन, कैसा लग रहा है गाइस? और इसमें भी थोड़ी सी लाइट लगानी बनती है। हैंगिंग लैंटर्न कहाँ गए? ये रहे, रोप चाहिए और स्क्रैप चाहिए, अभी लेके आया। और इसको भी बनाते हैं,
तो एक लगाएंगे यहाँ पर, एक लगाएंगे हम यहाँ पर, एक लगाएंगे हम इधर को यहाँ पर, तो अब एक लगाते हैं यहाँ पर। अब तो काफ़ी लाइट हो गया ना, थोड़ा और अंधेरा लग रहा है, तो एक ऐसे बीच में लगा देते हैं इधर को कहीं पर। उजाला ही उजाला, ये सब लाइट कैसी है? टेबल लैंप एक बार बना के देखूँ क्या? बट इसके लिए आई थिंक वायरिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी ना। एक ग्लास चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए। देखो भाई चुल मच रही है इसको बनाने की। टेबल लैंप को यहाँ पर लगाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। एक काम करते हैं इसको बना के देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले लेते हैं। एक ग्लास चाहिए, ग्लास यहाँ से ले लेते हैं। रबर भी लेना पड़ेगा आई थिंक, उसको लाइट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो वो जलेगा नहीं। तो टेबल लैंप को लगाते हैं यहाँ पर अभी के लिए, ये यहाँ पर रहेगा। बाद में जब टेबल बनाएंगे ना तो इसको टेबल पर रख देंगे। अभी तो बस चुल मच रही थी देखने के लिए कि कैसा लगता है। इसका वायर कनेक्ट करना है, तो इसका वायर लेके जाएंगे पहले यहाँ पर, फिर लेके जाएंगे यहाँ पर इधर को। नहीं, बाहर साइड से लेके जाता हूँ ना, तब सही रहेगा। हाँ यहाँ पर डन। फिर आएगा ये यहाँ पर, फिर जाएगा वो वहाँ पर, फिर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये एक बार को इसको ऑन करते हैं। अरे ऑन है भाई, टेबल लैंप अच्छा है, टेबल पे बढ़िया लगेगा ये देखने में, है ना? सही है भाई, कुछ भी चीज़ें किए जा रहे हैं। और अभी हम सो सकते हैं, तो गाइस आज एकदम मखमली गद्दे पे सोने वाले हैं, मज़ा ही आ जाने वाला है। चलो दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं 2-3 दिन बाद। हैं सुबह हो गई और मजाक मजाक में सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खत्म हो गए, फिर से मुझे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लाने पड़ेंगे। अभी चल के थोड़ी सी लूट लेके आता हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान हमारे पास खत्म हो चुका है, तो थोड़ा बहुत लूट अपने को अब चाहिए। इस वाले आइलैंड पे वापस ये ट्री वगैरह आ गए हैं, तो फटाफट से सारे ट्री कट कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी कॉपर ओर ये दिख रहे हैं, आयरन ओर दिख रहे हैं, ये भी कलेक्ट करना है। और हाँ ये चाहिए था मुझे, कॉटन चाहिए था, कॉटन का सीड भी मिल गया मुझे। पहले तो ये सारे वुड और ओर वगैरह कलेक्ट करता हूँ। गाइस मैं अभी लूट कर रहा था, मुझे ब्लूप्रिंट मिला टीवी का, मतलब कि हम टीवी भी बना सकते हैं। चलता भी है क्या? डेकोरेटिव फर्नीचर है। अरे यार मेरे को लगा टीवी चलता होगा यार, ये तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। जी भाई मैं ऐसे ही खुश हो रहा था। अभी मेरी इन्वेंट्री पूरी फुल हो चुकी है और मैंने यहाँ से इतना कॉपर और इतना आयरन और कलेक्ट किया। वैसे अभी ये इनफ तो नहीं है, बट अभी के लिए हमारा काम चल जाएगा क्योंकि ज़्यादा जरूरत है नहीं। आयरन ओर की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे ना बेस को अपग्रेड करना है। ये सब सामान थोड़े खाली कर देता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके डन। और मुझे ये भी देखना था ये क्या है, कुछ ऐसा ना ऑयल रिफाइनरी टाइप का लग रहा है। यहाँ पर कभी गए हैं? नहीं। दी रुइंस इस वाले आइलैंड पे भी कभी रेड करेंगे? आज तो नहीं रेड करने वाले हैं, बस मुझे ये वाली जगह चेक करनी थी कि यहाँ पर है क्या। अरे अभी तक कोई लोकेशन आया ही नहीं है, इतना पास आ गया फिर भी, ये है क्या भाई? इसको इतने पास आ गया, कुछ भी नहीं आया। रिफाइनरी, ओ भाई जो लग रहा था ये वही है। देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है क्या। ओके थोड़ा सामान तो मिल जाएगा, ये कॉपर ओर है ना, लपेट लेता हूँ मिल रहा है तो। चलो कॉपर ओर तो हमारे पास आ गया, आयरन ओर अभी नहीं मिला है। आयरन ओर के लिए ना मुझे वो लेके जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। हाँ ओर डिटेक्टर लेके जाना पड़ेगा, तब हमें अच्छा खासा सामान मिल सकता है उससे। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, कुछ नई चीज मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, क्या बात है, तो ये ले लेते हैं। इसको पूरा नहीं करते हैं, कभी जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की ना तो फिर से आके ले सकते हैं, इसीलिए मैं आधे पर छोड़ दे रहा हूँ। एक और बड़ी वाली ट्रक, एक पुलिस की कार भी दिख गई। ओके चलो एमओ का जुगाड़ हो गया, एमओ यहाँ से मिलेगा। आने तो पिस्टल एमओ मिल रहा है, चलो पिस्टल एमओ तो हमें चाहिए भी, पिस्टल एमओ मिल भी रहा है, गन पार्ट भी मिल रहा है, नाइस। इस ट्रक को उठाते हैं, ट्रक से देखते हैं कितना सामान मिलता है। अरे आ जा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अब आया। चलो ये भी ले लिया, रेडियल की भी यहाँ से ले लेते हैं, डन सीन। यहाँ पर ये रेड डब्बा पड़ा हुआ है, इसमें हमें मिल जाएगा केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे बहुत काम की चीज़ है। एक लूट बॉक्स ये भी लग रहा है मुझे, हाँ इसमें देखते हैं क्या मिल जाता है। अपने को ब्रोकन आर्मी वेस्ट मिला, ये कुछ अच्छी चीज़ मिली।
रेड सोफा मिला, ठीक है ये ले लेते हैं। कंपोनेंट ग्लास, रबर, स्क्रैप, वुड, ठीक है। अपनी इन्वेंटरी जो है अब फुल हो चुकी है, अब हमें वापस घर पे जाना चाहिए। ओके तो वापस आ चुके हैं हम। सारा सामान फटाफट से सेट करता हूँ अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ पर रखते हैं। ये पूरा फुल हो गया, ये तो सिर्फ चारकोल से फुल हो गया भाई, कॉपर वगैरह तो रखने के लिए अब जगह ही नहीं बची है। तो इसको कहाँ पर रखो, इन्वेंटरी वगैरह और भी बनानी पड़ेंगी अभी के लिए, तो इनको ना यहाँ पर रख देता हूँ इस वाले में, बाद में हम इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रेनेड कितना का डैमेज देता है, इसको बनाने के लिए रोप चाहिए, स्क्रैप चाहिए और ब्लैक पाउडर चाहिए। एक बार को चेक करना है कि ये ग्रेनेड काम कैसे करता है। ब्लैक पाउडर इससे बन जाएगा, रोप के लिए क्लॉथ, भाई क्लॉथ नहीं है यार, ये कैसे हो गया, चार कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। चलो रोप बना लो, ये ब्लैक पाउडर थोड़े से बना लो, और अब यहाँ से ग्रेनेड बनाने के लिए थोड़े से मेटल भी चाहिए, तो अब यहाँ से ग्रेनेड बनाते हैं। ओके डन, इसको एक बार को फेंक के देखता हूँ कैसा काम करता है। एनवी तो है नहीं, बट बस चेक करने के लिए, कोई एनवी आ तो नहीं रहा ना, क्या मुंह पे फेंकूंगा मैं अगर आएगा तो, इसका मुझे टेस्टिंग करना है। फेंको, गया, अरे ये क्या बवाल चीज है भाई, सीधा एनवी के मुंह पे फेंको, बम से गायब। और हाँ ये तो बनाना भूल ही गया, जेट स्की बनाना था मुझे भाई, ये सबसे जरूरी चीज बनाना भूल गया। कंपोनेंट चाहिए तो कंपोनेंट ये रहे, और इंगट चाहिए तो ये लो आयरन इंगट, थोड़े से और स्क्रैप चाहिए, भाई कितने स्क्रैप लग रहे हैं, 35 स्क्रैप लग रहे इसको बनाने में। चलो चलो कोई बात नहीं, स्क्रैप की कमी नहीं है। और फाइनली गाइस हमारे पास तीसरी बोट आने वाली है, ये पैडल बोट, ये सेल बोट, और अब हमारी आ रही है जेट स्की, जो कि इन सबसे बहुत ज्यादा स्पीड चलेगी। ये बहुत छोटी सी है यार, हैं चूना लग गया भाई, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइव कर सकते बस ऐसे ही, हैं चल नहीं रहा। ओ भाई कैसे चलेगा ये, WLC आउट ऑफ फ्यूल है, अच्छा फ्यूल भी तो डालना पड़ेगा, गधा हूँ क्या मैं, जेट्स के बिना फ्यूल के थोड़ी ना चलेगा भाई। चलो एक काम करता हूँ, फ्यूल डाल के उसमें उसको चलाता हूँ, देखता हूँ कैसा चलता है, और जा ही रहा हूँ ना, ये थोड़ी चीजें ले लेता हूँ और हो के आते हैं वहां पर, क्या बोलते हैं ट्रेडिंग पोस्ट पे, ये नहीं पहले तो फ्यूल ले लेता हूँ यहाँ से। गेट को करो बंद, ये भी करो बंद, डन सीन। इसमें ऐड करते हैं फ्यूल, फ्यूल कैसे ऐड करूँ, भैया जी थोड़ा पीछे जाना भाई, फ्यूल ऐड करने का तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन, गैस फ्यूल कैसे ऐड होगा, यहाँ से फ्यूल डलता है, ओ ये रहा फ्यूल डालने के लिए, डालो डालो फ्यूल डालो, 10 फ्यूल डाल दिया मैंने, चलो अब चला सकता हूँ ना। ये ओ ये तो बढ़िया चीज है भाई, 100 की स्पीड जा रही है, ओके 125 तक जा रही है ये, 130 तक भी, 40 भी जा रही है, ओके 130-140 तक ये जा रही है, ये हुई तगड़ी चीज। लेकिन इसमें ना इन्वेंटरी नहीं है यार, ओ नो कोई बात नहीं, ये हमारे ऐसे काम के लिए रहेगा जो जल्दी जल्दी में करना रहेगा हमें, समझ रहे हो, तो ये उस काम के लिए यूज करेंगे। लेकिन है तो तगड़ी चीज, मस्त भाग रही है। यहाँ से मुझे लेना था ये अंडर वाटर स्कूटर, आज फाइनली अंडर वाटर स्कूटर भी ले लेते हैं, ये ले भाई आज मेरे पास बहुत तगड़े तगड़े चीज है, ये ले डायमंड रिंग ले, नल्ली कहीं की, कितना महंगा है ये भाई, हेलो ओ नो, मैं तो सोच के आया था कि आज डील हो जाएगा, ये ले भाई चारकोल, अच्छा चारकोल से ले सकता हूँ, चलो चलो डील हो जाएगा, ये लो और चारकोल लो। ओ फाइनली इतना सारा सामान देने के बाद ये मुझे एक स्कूटर दे रही है, कोई बात नहीं, स्कूटर आ चुका है हमारे पास। और इसकी स्पीड कितनी होगी, इसको कहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर, इसको यूज कैसे करूँ, अच्छा ऐसे हाथ में लेके यूज कर सकता हूँ, चलो हैं, अच्छा इसमें बैटरी डालना पड़ेगा, ओके सॉरी, बैटरी तो हमारे घर पर पड़ा हुआ है, घर पर चल के बैटरी लगा के फिर इसको देखते हैं कैसा है ये। बाकी ये तगड़ी चीज बन गई गाइस, मजा आ रहा है इसको ड्राइव करने में, फुल भाग रही है यार। बैटरी यहीं पर कहीं मैंने रखा था एक एक्स्ट्रा, हाँ ये रहा,
इसको लगाते हैं इसमें। हमारे पास एडवांस वाला डाइविंग फिन भी है और हमारे पास ये स्कूटर भी आ गया। अब देखते हैं हम कितनी स्पीड से स्विम कर सकते हैं। इसको लेते हैं हाथ में, अब कूदो ये। अरे एक्टिवेट, ओ अच्छा अब एक्टिवेट हो रहा है ये। ओ भाई स्पीड तो है, क्या स्पीड से जा रहे हैं। नाइस यार, ये हुई बात, बहुत मस्त स्पीड है इसकी। इसको ऊपर भी मैं चला सकता हूँ लेकिन बहुत तेज आवाज कर रहा है ये। आज तो हमने कुछ ज्यादा ही तगड़ी तगड़ी चीजें बना दिया गाइस। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।